तो चलिए दोस्तों, लुक माय नट्स यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में मैं सुभाष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले रोप स्प्लाइस पार्ट टू, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था पार्ट वन और उसके अंदर हमने डिटेल से जान लिया था कि रोप स्प्लाइस क्या होता है, उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो आज के पार्ट टू में हम देखेंगे रोप स्प्लाइस का इस्तेमाल करके दो रोप को, चाहे वो एक समान मोटाई के हो या थोड़े आगे पीछे मोटाई के हो, उनको ज्वाइंट कैसे करना है, वो भी स्प्लाइस का यूज़ करके। अब दोस्तों, स्प्लाइस का यूज़ करने के बाद हम जो भी काम करते हैं, चाहे ज्वाइंट बनाते हैं या लूप बनाते हैं, वो परमानेंट हो जाता है, वो खुलने के कोई भी चांसेस नहीं रहते। तो आज इस एपिसोड में, आज इस पार्ट टू में देखेंगे कि दो रोप को एक साथ ज्वाइंट कैसे करना है। उससे पहले इस तरह की इंटरेस्टिंग रोप टेक्निक सीखने के लिए या इंटरेस्टिंग गठानें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के रोप स्प्लाइस पार्ट टू को। तो हमने शुरुआत में बात कर ली थी कि आज हम क्या सीखेंगे, दो रोप को एक साथ ज्वाइन कैसे करना है, वो भी स्प्लाइस का इस्तेमाल करके। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ येलो कलर का थ्री स्ट्रैंड का रोप इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं सामने जो तीन स्टैंड है, सबके ऊपर मैंने अलग अलग कलर की पट्टी अलग रखी, जिससे कि आपको जो जिस तरह से स्टैंड घूमेंगे वो आपको आसानी से और एक बार में आप देखोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो करना क्या दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं एक के ऊपर मैंने यहाँ लाल टेप लगा रखा है, एक के ऊपर नहीं लगाया। क्यों, अब इसकी बात करते हैं क्यों। तो इसको क्या करना है दोस्तों, पहले खोल लेना है। आपको जो स्ट्रैंड है या आपकी जो स्प्लाइसिंग आपको कितनी लंबी करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम आपको डेमो टाइप यहाँ से बना के दिखाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, इस स्टैंड को खोल दिया। अब आप देख सकते हैं इसके बाद स्टैंड खुलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पट्टी लगी हुई है। होता क्या दोस्तों, कभी कभी जब हम इस स्टैंड को खोलते हैं तो अनावश्यक कोई स्टैंड ढीला हो जाता है या फिर कोई स्टैंड खुलते चलता है, तो बाद में क्या होता है, वो स्प्लाइसिंग के समय दिक्कत देता है। तो इसलिए हमने क्या करना है, इस तरह से एक टेम्पररी कुछ भी धागा भी बांध सकते हो या सेलो टेप, कुछ भी आप यहाँ नॉर्मली बांध के रख सकते हो और दूसरे के ऊपर नहीं बांधना। आप क्या करना है, जितना लंबा स्टैंड एक रोप के टुकड़े का खोला है, सेम उतना ही लंबा स्टैंड दूसरे टुकड़े खोलना है। किस तरह से देख लीजिए, इसको हम नाप भी सकते हैं इस तरह से, कितना खोलना है यहाँ तक। तो यहाँ तक हम इसको क्या कर लेंगे, फटाफट खोल लेते हैं इनको। दोस्तों, स्प्लाइसिंग का जो पार्ट वन था उसके अंदर मैंने आपको लूप बना के दिखाया था और स्प्लाइसिंग के बारे में डिटेल से आपको बताया था कि स्प्लाइसिंग होती क्या है और कैसे क्या उसको करना पड़ता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ऊपर के आईबॉल में मैंने वीडियो दे दी, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो चलिए इसको क्या करना दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे तीन स्टैंड है, इसके भी तीन स्टैंड है, तो आपस में इनको लॉक कर देना है। किस तरह से लॉक करना है, एक के बीच में लगाना है, जैसे ये तीन की जो जगह है और ये तीन की जगह है, तो इनको आपस में इस तरह से लॉक कर देना है, इस तरह से। अब आप देख लीजिए स्टैंड इस तरह से, एक आगे जा रहा है तो ये पीछे तरफ आ रहा है, सेम यहाँ भी ऐसे होना चाहिए, देख लीजिए ऐसे और यहाँ भी ऐसे। तो ये अपना जो लॉक है वो सही से जा रहा है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, जिस तरफ हमने लाल टेप लगाया था इस तरफ हम पहले स्प्लाइसिंग करना शुरू कर देंगे। स्प्लाइस के बारे में मैंने पहले डिटेल से आपको समझाया था किस तरह से शुरुआत करनी है। तो आप शुरुआत में कहीं से भी ले सकते हो, इस स्टैंड के हिस्से से लेते हैं। इस तरह से आपने क्या कर दिया, इसको फैलाया और रेड कलर से शुरुआत करते हैं, तो रेड कलर को हमने क्या कर दिया, इसके अंदर लगा दिया। दोस्तों, शुरुआत के अंदर ही थोड़ी दिक्कत होती है, अगर आपको समझ में नहीं आई तो, अगर आपके एक बार स्टैंड जो है कैसे घूमना है, स्प्लाइसिंग के जो मेथड है वो अगर समझ में आ गया तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट हम क्या करेंगे इसको, और मैंने शुरुआत में बताया था आपको, जो स्टैंड है उसके सामने वाला स्टैंड छोड़ के नेक्स्ट में करना है, मतलब एक स्टैंड छोड़ देना है, उसके बाद वाले स्टैंड में हमने क्या करना है, स्प्लाइसिंग के लिए इसको घुमाते चलना है। ये देख लीजिए, ये होगा दोस्तों। अब इसकी बारी, और जो नंबर वन जो था अपना पार्ट नंबर वन था, उसके अंदर जो लूप बना था उसके अंदर थोड़ी जो दिक्कत है उससे भी आसान है ये वाला जो पार्ट नंबर टू, जिसके हम रोप को ज्वाइन करेंगे। देखिए, अगर आपको बीच में लगा तो आप इसको रोप को इस तरह से घुमा के टाइट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया, फिर वही बात। तो ये फटाफट हम क्या करते हैं, इसको आगे स्प्लाइस करते चलते हैं, इस तरह से बढ़िया से टाइट करेंगे, घुमा घुमा कर इसको क्या करेंगे हम, ये देख लीजिए इसका जो आकार है उसको बढ़िया से दे देना, क्योंकि ये जो स्प्लाइस है एक बार लगने के बाद दोबारा नहीं खुलती है, इसलिए इसको बनाते समय हमने क्या करना है, मजबूती से बनाना है और स्मार्टनेस दिखानी है दोस्तों, क्योंकि हमारा काम जिस तरह से हम करते हैं वो अपने आप का जो ये देख लीजिए।
अब दोस्तों मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पार्ट वन में बहुत डिटेल से और बारीकी से समझाया था स्प्लाइसिंग का जो मेथड है, किस तरह से इसको बुनते चलना है या गूंथते चलना है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ ज़्यादा डिटेल से नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी दोस्तों। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबी बने, आपका भी समय अमूल्य है। इस तरह से जो हिस्से दोस्तों इनको हम छोड़ देते हैं ऐसे, आपको दिखने के लिए बाद में भी आपको समझ में आ जाए। तो देखिए हमने ये रेड से यहाँ से स्प्लाइस कर ली। अब क्या करना है, आप रेड पट्टी यहाँ से हटा भी सकते हो, नहीं भी हटा सकते हो, पर अगर मेरी मानो तो इसको इस समय हटाना सही होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी इसको हटा देते हैं। अब आप देख सकते हो दोस्तों एक तरफ की स्प्लाइस होने के बाद हमने क्या कर दिया, बीच का जो लाल कलर की पट्टी थी उसको हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, उसको पल्टी मार देंगे। पल्टी मारने के बाद क्या करना है, सेम जैसे इस तरफ हम स्प्लाइस करके चले गए थे उसी तरह से स्प्लाइस इस तरफ करना है, सेम मेथड से। तो क्या करना है, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं आप, जैसे हमने रेड से करे, रेड से करे। इसके सामने का जो स्ट्रैंड है ये है और इसके सामने ये है, तो क्या करना है, जो एक छोड़ के दूसरे स्ट्रैंड से हमने क्या करना है, गूंथना शुरू कर देना है, इसका मेथड है। तो यहाँ से हमने शुरू कर दिया दोस्तों, सेम सबके लिए वही प्रोसेस है। बढ़िया से इसको आप टाइट करते चलिए, ये पकड़ लिया, इसको लगा दिया, इसको घुमाते हुए ये जो स्टैंड जो ये खुला हुआ है इसको आप इस तरह से घुमा के बढ़िया से टाइट कर सकते हो। फिर क्या करना है, सामने का एक छोड़ के दोबारा आगे वाला ले लेना है। कुछ इस तरह से ये बनते चला जाएगा दोस्तों। जब तक ये स्प्लाइस पूरा हो जाए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अगर इस तरह के नए नए रोप टेक्निक हुए, नए नए जो गठाने देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों देखो इसको भी आगे इसका कर लेते हैं इस तरह से। बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही मजबूत तरीके से बनता है दोस्तों। इसके बाद लास्ट में और एक प्रोसेस करनी है, वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे दोस्तों ये जो छोड़ रहा है आप नहीं भी छोड़ सकते हो, इसके अंदर लास्ट तक स्प्लाइस कर सकते हो, पर आपको दिखाने के लिए जो इसका जो आकार है वो समझने के लिए आपको ये मैंने छोड़ के रखा है, ये देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों ये जो रोप का दो पीस थे रोप के मेरे पास, इनको हमने क्या कर दिया, स्प्लाइस करके इसके अंदर ज्वाइन कर दिया। आप जितना भी झटके से इसको खींचो बढ़िया, इसको क्या करना है, इसे घुमा देना है, टाइट कर देना है ये। अब इसको और मजबूती देने के लिए क्या करना है, जैसे ये हिस्सा है तो यहाँ आप क्या कर सकते, धागे से या पतली रस्सी से बांध सकते हो दोनों जगह, या टेप भी लगा सकते हो, या मैंने पहले जो पार्ट वन में बताया था जो प्लास्टिक के पाइप आते हैं पतले वाले, इसको इसके अंदर से डालकर इसके ऊपर इतना डालकर या था उसको गर्म कर दीजिए थोड़ा, तो क्या हो जाएगा इसके साथ फिट बैठ जाएगा, तो ये स्प्लाइस कभी भी नहीं खुलेगी। सबसे पहले तो इस वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज की रोप स्प्लाइस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, लाइक के साथ शेयर करना ना भूले। मिलता है दोस्तों पार्ट 3 में और एक नई रोप स्प्लाइस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।